सारूज किचन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ बहुत दिनों बाद एक नई रेसिपी जिसका नाम है बीन्स की सब्जी। बीन्स ठंडियों के मौसम में बहुत ही अच्छे से मिलते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए 250 ग्राम बीन्स, जिसको मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया, अच्छी तरह धोकर रख लिया है। साथ में लिए मैंने 2 कटे हुए छोटे प्याज, छोटे 2 कटे हुए टमाटर चॉप्ड किए हुए, 1/2 बॉइल्ड पोटैटो, लहसुन, मिर्ची और साथ में गार्निश करने के लिए धनिया। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए गैस पर कढ़ाई रखकर उसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून तेल। जब यह अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे थोड़े से जीरा, क्यूमिन सीड, साथ में डालेंगे मस्टर्ड सीड, राई के दाने और इन्हें सिकने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ लहसुन, साथ में डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च और इन्हें सुनहरा होने तक भूनेंगे। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं। सुनहरा भूनने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं कटी हुई प्याज, अच्छी तरह से भून लेने के बाद सुनहरा होने तक। अब हम इसमें डालेंगे हरे बीन्स, जिन्हें फ्रेंच बीन्स भी कहते हैं। यह सब्जी रोटी और चपाती के साथ खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगेगी। और इन्हें चलाकर 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। उससे पहले हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, साथ में डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी और नमक को मिक्स करने के बाद इसे 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। धीमी आंच कर लीजिएगा। कोरोना काल फिर से शुरू होने वाला है, तो दोस्तों घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। 5 मिनट के बाद हम इन्हें चेक करेंगे कि यह पके कि नहीं। इसके लिए मैं एक बीन्स का टुकड़ा हाथ में लेकर दबा के देख रही हूँ। अभी यह थोड़े से कच्चे हैं, इसके लिए मैं 2 से 3 मिनट के लिए फिर से इसे ढक देती हूँ और धीमी आंच में पकने दूंगी। अब 2 से 3 मिनट के बाद इसे चलाएंगे और तेज आंच कर अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 बॉइल्ड पोटैटो। आप इसमें कच्चा आलू भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बीन्स जल्दी पक जाते हैं, आलू पकने में टाइम लेता है, इसीलिए मैंने यहाँ 1/2 बॉइल्ड पोटैटो यूज किया हुआ है। साथ में इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च 1/2 चम्मच के लगभग, और अब इसमें मैं डालूंगी कटे हुए टमाटर और इन्हें करेंगे अच्छी तरह से मिक्स, साथ में तेज आंच कर इसे सोते कर लेंगे। आप देख रहे हैं बीन्स की सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा हो गया है। अब सीक्रेट आइटम जो मैं इसमें डालने जा रही हूँ वह है, ठंड का मौसम रहता है तो लोग दही बहुत कम खाते हैं, तो इसीलिए इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच फ्रेश क्रीम, 1 छोटा चम्मच के लगभग मलाई भी आप ले सकते हो घर के की या फ्रेश क्रीम, और इसे करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। अब इसमें मैं डालूंगी मसाला मैजिक, अगर आपके पास मसाला मैजिक नहीं है तो आप इसमें किचन किंग गरम मसाला 1 छोटा चम्मच यूज कर सकते हैं। मैंने 1 छोटा पाउच इसमें मसाला मैजिक का डाल दिया है और इसे मिक्स कर साथ में डालूंगी मैं यहाँ हरा धनिया, और इनसे प्लेट में निकाल कर गर्मा गर्म रोटी, चपाती, पराठा किसी के भी साथ एज यू विश सर्व करें। और दोस्तों, मेरे चैनल को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोज का
ज्यादा दिनों तक आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।